करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मज़ेदार बैंगन का भरता बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें कौन से इन्ग्रीडियंट्स दरकार होंगे। सबसे पहले हम सुर्ख मिर्च लेंगे, जो मैंने हाफ टी स्पून लिया है। इसके साथ मैंने 3 से 4 हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया है। गरम मसाला आप 1/4 इसको कंसीडर कर लें, वैसे आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। और नमक हसबे जायका, वैसे मैंने आधा चम्मच इस्तेमाल किया है। इसी घी का इस्तेमाल किया है, वो मैंने 3 से 4 चम्मच इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो इसमें सादा ऑयल या जो आम घर में घी इस्तेमाल होता है आप उसमें भी पका सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। मैंने थोड़ा सा ये फ्रेश धनिया लिया हरा, और इसके साथ मैंने 3 दरमियानी साइज की प्याज ली और उसको चॉप कर लिया है। इसके बाद अब मैंने बैंगन लिए हैं। मैं दिखाती हूँ कि बैंगन जो है वो इस शेप में किस तरह तैयार किए हैं। अब मैं क्विक रिव्यू देती हूँ कि हम बैंगन का भुर्ता किस तरह बनाएंगे। आप देख लें कि जो बैंगन है इस तरह आपने छुरी पर या कोई सुआ वगैरह लेकर उसके ऊपर आपने इस तरह चूल्हे पर रख देना है ताकि ये पक जाए। वैसे मैं इसको चूल्हे पे कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको तंदूर पर ओवन में भी कर सकते हैं, जो घर में आपका कुकिंग रेंज में ओवन होता है। इस तरह आपने हर साइड चेंज करते जाना है और इसको पकाते जाना है। जैसे जैसे ये पकेगा ये अपनी स्किन छोड़ता जाएगा। ये देखें जी, ये पक गया है। अब मैं पकने के बाद इसका छिलका उतारूंगी। छिलका बड़ा इजीली उतर जाएगा, मैं अभी आपको उतार कर दिखाती हूँ। अब मैं दूसरा भी उसी तरीके से तैयार कर लूंगी। अब मैं आपको छिलका उतार के दिखा रही हूँ कि किस तरह इसका छिलका उतारते हैं। ये देखें, ये इजीली इसका छिलके उतर रहे हैं। ये देखें, ये अब इस तरह इस फॉर्म में आ जाएगा जब हम छिलका उतार लेंगे। अब साथ ही हम इसको हल्का हल्का मैश कर लेंगे। अब ये देखें, मैं हल्का हल्का इसको मैश कर रही हूँ। इस तरीके से आपने इसको साथ साथ मैश करते जाना है। ये ऑलरेडी पक चुका है। ये देखें जी, अब मैंने एक बर्तन लिया है, बर्तन के तौर पर मैंने पैन लिया है। इसके अंदर मैं ये घी शामिल करूंगी। इसके बाद मैं इसके अंदर ये प्याज शामिल करूंगी। सुर्ख मिर्च, हरी मिर्च कटी हुई, गरम मसाला पाउडर, नमक और एंड पर हम ये जो बैंगन का बर्तन हमने बनाया हुआ है इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। मैश किया हुआ बैंगन इसमें शामिल करेंगे। अब हम इन तमाम मसाला जात को मिक्स कर लेंगे। ये जितना भी मिक्सचर है इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको चूल्हे पर पकाऊंगी। पकाने का टाइम 5 से 7 मिनट है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब कुछ पका हुआ है। सिर्फ हमने जो मिर्च है और प्याज को थोड़ा सा सॉटे करना है कि गले में ना लगे। बस इसको हम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। पकाने के बाद ये अब हमारा जो भरता है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी।
ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और दो हरी मिर्चें लेकर इसको मैंने सेंटर से कट करके साइड पे गार्निश कर लिया, और साथ ही अब मैं फ्रेश धनिया जो है उससे इसको गार्निश कर रही हूँ। इसका जो एग्जैक्ट जोड़ है वो तंदूर की रोटी के साथ है। वैसे आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको पराठे या सादी रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलें कि आपको हमारी ये डिश कैसे लगी, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।